हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, शहरीकरण और शहरी जीवन। इसका जो भी सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता दूं, एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा है। और उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, क्वेश्चन बैंक, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ज्यादा नहीं, 30 से 35 सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बार जरूर वीडियो को वॉच करनी चाहिए। जब एक बार आप वॉच कर लोगे तो आने वाला सवाल आप इसको आराम से इसको हल कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट हम लोग इसका जो है आंसर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले, आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक बैक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा माध्यम वर्ग, ठीक है ना। यानी कि माध्यम वर्ग जो वर्ग था वो बुद्धिजीवी वर्ग, यानी कि चालाक टाइप का, मतलब इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल क्लास, समझ रहे ना, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। आगे बढ़ते हैं, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होता है सिखों के 10वें गुरु, कितना गुरु, 10वें गुरु है और अंतिम गुरु भी है, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछा गया एग्जाम में कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, किस पर्पज से बनाया गया था, क्या पर्पज था, क्या मोटिव था पटना में गोलघर बनाने के लिए? सैनिक को सैनिक रखने के लिए बनाया गया था, या अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, या अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो अनाज रखने के लिए, ताकि कभी अकाल पड़ जाए तो अकाल पड़ जाए तो वहां पे अनाज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम में ये बना था। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस के समय में की थी? तो आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज था जो कि पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार की यात्रा किया था मेगास्थनीज ने, ठीक है ना। और इन्होंने किताब भी लिखा था, इनका नाम भी था इंडिका, ठीक है ना, इंडिका किताब था इनका। तो मेगास्थनीज ने इंडिका, इंडिया के बारे में पूरे पूरी बातें लिखी उन्होंने, जो भी जानकारी हासिल की। तो मेगास्थनीज जो बिहार आया था, यानी कि पाटलिपुत्र आया था, तो किसके समय में आया था? उस समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, या हर्षवर्धन था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आया था पाटलिपुत्र, ठीक है ना। आगे सवाल है, बिहार पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? देखिए सवाल दो टाइप का किताब में दिया हुआ है, पृथक राज्य का रूप दिया गया और दर्जा दिया गया। तो बिहार राज्य को बंगाल से अलग करके 1912 में जो है पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना, 1912 में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ सब फ्रेंड है, तो आपको एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है, आपको हर एक सवाल को करना है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगती है, क्लास मजा आता है, तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर तो हर हाल में कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में लागू हुआ था, ओके, 1870 में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, आधुनिक शहर को सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, भारत में, ठीक है ना। आधुनिक शहर जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुए बसने के लिए? तो इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में आधुनिक शहर जो है बसना शुरू हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट सवाल देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? समझ में आ रहा, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर था उसकी स्थापना किसने किया था? अजात शत्रु ने, शेरशाह सूरी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजीमुशान। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु ने, ठीक है ना, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया में, राजगिरी में, वैशाली में, पटना साहिब में। तो जो मगध राज्य उस टाइम चल रहा था, तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगीर में, ठीक है ना, जिसको अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। और पहले बोला था राजगृह, मतलब राजों का घर, है ना, राजगृह, राजों का घर, अब उसको ना हम लोग बोलते क्या, राजगीर के नाम से जानते हैं,
तो हम लोग अलग से मतलब लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ करके राजगीर बोल देते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था, अनाज के लिए, हथियार के लिए, अफीम के लिए या कपास के लिए? तो अनाज के लिए, है ना, अनाज रखने के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो आज भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना, फिल्म के एरिया में सबसे मतलब टॉप का पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड है ये। तो किस फिल्म का निर्माण किया था इन्होंने? तो राजा हरिश्चंद्र, या तो झांसी की रानी, CID, या तो फिर गेस्ट हाउस, ठीक है ना। तो राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के ने, राजा हरिश्चंद्र ने जो है फिल्म का निर्माण किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1855 में, 1857 में, 1905 में, या 1911 में? और सवाल ये भी पूछता है, हिस्ट्री में भी सवाल पूछता है, ये हिस्ट्री का जो चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, उसमें भी सवाल आता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया था, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किया था 1911 में। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1757 में, 1764 में, 1786 में, 1857 में? तो गोलघर का जो निर्माण हुआ था 1784 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा? बिहार का सबसे बड़ा नगर, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर वो कौन है, पटना है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 का ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, या सभी वर्ग? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक है, ऑप्शन 15 का ए वाला राइट आंसर होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं 16 वाला, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से, यानी कि जो ज्यादा समझ रहे ना, जिसके पास उद्यमी लोग थे, ज्यादा पूंजीपति टाइप का लोग जो लोग थे, उनसे प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, या मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद कीजिएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, 16 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण को, या शहरीकरण को, या कस्बों को, या बंदरगाहों को? तो याद कीजिएगा, शहरीकरण को बहुत ज्यादा गहन, मतलब बहुत ज्यादा डीपली इफेक्टेड किया, है ना, गहन रूप से प्रभावित मतलब डीपली इफेक्टेड किया शहरीकरण, क्योंकि शहरीकरण में शहर में जो भी नए प्रकार का मशीनों का आविष्कार, है ना, नए प्रकार का टेक्नोलॉजी का आविष्कार, तो ये शहरीकरण को बहुत ज्यादा जो है इफेक्टेड किया। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? इंपोर्टेंट सवाल है, रेमंड अनविन ने, बैरी पार्कर ने, एबेनेजर हावर्ड में हावर्ड ने, या विलियम हॉर्नबी ने? तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एबेनेजर हावर्ड ने, ये भी सवाल एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट पढ़ते, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए ये सवाल आया था 2022 में, तो सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है जो सवाल पूछा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा? तो आपको पता होना चाहिए, गया में। और गया में कहाँ भाई, तो बोध गया में, गया में, बोध गया में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये इंपोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष से हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब, मतलब कहने को सिंगापुर स्वतंत्र कब हुआ, कहने का मतलब ये है, तो 1965 इसका राइट आंसर होगा। 1965 में सिंगापुर जो है कब हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक है, जैसे हमारा भारत 1947 में, उस तरह से सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र हुआ। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860, 1898, 1819, 1835? तो इसका आंसर होगा 1918 में, सॉरी 1918 में बंबई में किराया कानून जो है लागू हुआ था। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा।
आगे देखिए, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, या हड़प्पा की सभ्यता से, या पुनर्जागरण से, या औद्योगिक क्रांति से? आधुनिक नगर के मतलब अभी जो मॉडर्न जो सिटी चल रहा, तो जब औद्योगिक क्रांति आया ना, तब आधुनिक नगर का भी विकास होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के मतलब नए नए टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल का विकास होना, नए प्रकार के मशीनों का खोज होना। अब जब ये नए प्रकार के मशीनों का खोज होना, तो ये सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? गाँव में जाएगा या शहर में जाएगा? शहर में जाएगा, आधुनिक नगर में जाएगा। तो जो अभी जो मॉडर्न जो सिटी हो दिख देख रहा आपको देखने को मिल रहा, वो जो है आधुनिक औद्योगिक क्रांति का ही देन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? ये सवाल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था एग्जाम में कि पाटलिपुत्र जो है किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। तो देखिए, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? अजात शत्रु ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, और अजात शत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है ना। और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र के समय मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र के मगध की राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र बनाया था, समझ आ रहा ना। उस समय मगध की राजधानी कौन था? राजगीर था। लेकिन जब उदयन जब शासन में आया, तो मगध की राजधानी कौन बना दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया था। तो किसने बनाया? उदयन, उदयन, उदयन इस तरह से नाम देता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी, टाइस का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी, औपनिवेशिक भारत मतलब जब भारत पर अंग्रेजों का जब कब्जा था, तो भारत औपनिवेश कहलाता था, ठीक है ना, कॉलोनियल कहलाता, कॉलोनी कहलाता था। तो उस समय वाणिज्यिक यानी कि डिप्लोमेटिक कैपिटल बोला जाए तो कौन थी? बंबई थी, क्योंकि बंबई जो है बंदरगाह के किनारे बसा हुआ है, अरब सागर के किनारे। तो विदेशों से जो है जहाज को का आना जाना जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह काम आसान होता था, ठीक है ना। तो वाणिज्यिक राजधानी बनाया गया था मुंबई को। आगे बढ़ते हैं, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? भूमिगत रेल का मतलब अंडरग्राउंड रेल, ठीक है ना। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1763 में, 1763 में, 1787 में, 1787 में। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1863 में। इसके साथ में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, अभी सवाल बाकी है, होमवर्क में ये दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कहाँ जो है, भारत में कहाँ अंडरग्राउंड रेलवे है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड ट्रेन, ठीक है ना, अंडरग्राउंड ट्रेन कहाँ चलती है भारत में, आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1810 से 1880 के तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर जो है कहाँ तक पहुंच गई थी? 1810 से 1880 तक, यानी कि 70 साल में 10 लाख से आबादी 40 लाख तक पहुंच गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ये किताब का नाम है, द बिटर क्राई, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, हेनरी मेहू, एंड्रयू मियर्स, चार्ल्स डिकेंस। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रयू मियर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ये सवाल भी पूछता है, एग्जाम में आया था सवाल एक दो बार कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम जो नगर है बिहार में पड़ता है, और जब शेरशाह सूरी ने इस नगर की स्थापना किया था, शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी किस युग में आएगा? तो आपको पता चल जाएगा मध्य युग में आएगा, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री चलता है भारत में तीन टाइप का, एक हो गया आप एक प्राचीन युग हो गया जिसमें मौर्य, गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश, मौर्य वंश वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एक हो गया मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग में जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, इसके बारे में जानते हैं। और आधुनिक युग जैसे अंग्रेजों के बारे में हम लोग जानते हैं, जो भारत में जो आजादी वगैरह हुआ था, भारत की जो लड़ाई हुई थी। तो मध्य युग के दौरान में ही जो है शेरशाह सूरी का दौर रहा है, और उन्होंने सासाराम का विकास किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ये सवाल पूछा गया था, तो देखिए आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान, ठीक है। तो आराम से बताइए, आप बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में, ठीक है ना, बिहार में। तो अब बिहार में जेरादेई नाम का एक गाँव है वहाँ। आगे बढ़ते हैं, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था जो चल रहा था, सामंती मतलब अमीरों लोग के टाइप का व्यवस्था चल रहा था, पूंजीपति टाइप का चल रहा था। तो किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। यानी कि सामंती व्यवस्था जो चल रहा था, जो बड़े बड़े लोगों के लिए जो नया नया कानून नहीं था, है ना, सिर्फ गरीबों के लिए था,
जो भी फायदा लेता था, गरीब बड़े बड़े लोग जो फायदा उठाते थे गरीबों से, काम वगैरह करवाते थे, ठीक है ना, मतलब सामंती टाइप का जीवन जीते थे, फीडुअल सिस्टम, समझे, शासन टाइप का। तो जब इस ये व्यवस्था हटा तो फिर प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है शुरू हुई, प्रगतिशील प्रवृत्ति मतलब स्पीड बढ़ा, प्रवृत्ति बढ़ा लोगों में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। तो फिलहाल इस ऑप्शन का आंसर क्या जाएगा? पाटलिपुत्र। इसका नाम अजीमुशान के नाम से, देखिए अजीमुशान के नाम पे पड़ा था अजीमाबाद, ठीक है ना, अजीमाबाद। तो पटना का पहले अजीमाबाद भी नाम रहा एक बार, ठीक है ना, जो अजीमुशान बादशाह था, अजीमुशान, तो उनके नाम पे अजीमाबाद नाम पड़ा पटना का। फिर पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, फिर पाटलिपुत्र का नाम फिर आप क्या पड़ा? पटना पड़ा। तो पटना जो है शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना तब्दील कर दिया, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र अभी भी जगह है, लेकिन पूरा पटना अभी जाना जाता है। तो पटना का प्राचीन नाम फिलहाल पाटलिपुत्र के ही के बारे में जानेंगे ऑप्शन के हिसाब से। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? महानगर में, जाहिर सी बात है, जो महानगर होगा जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता वगैरह, इसमें ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो आपको पता चल गया, जो 10वें गुरु था, गुरु गोविंद सिंह, है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। आप शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का, जो शहर में जो आधुनिक व्यक्ति रहते हैं, जो मॉडर्न मैन जो रहते हैं ना, किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या सभी क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभावित क्षेत्र, यानी कि उससे इफेक्टेड होता है वो प्रभावित क्षेत्र। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ये भी एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है सवाल, लेकिन जान लीजिए, अस्थाई कृषि के अभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति या बहुमूल्य धातु? तो इसका आंसर होगा संपत्ति का जमाव जो है संभव हुआ, ठीक है, अस्थाई कृषि होने के बाद जो है संपत्ति का जमाव होना शुरू हो गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो याद कीजिएगा 1660 में, सॉरी 1666 में, 1666 में जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए सवाल को। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बहुत बार सवाल पूछता है, तो आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। बाकी सारा सवाल मैंने बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी वीडियो तो, और पहली बार अगर चैनल पे आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ताज्जुब होती है कि हमारे चैनल पे कम मतलब जो 67% ऐसे बच्चे वॉच करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बाकी बाकी परसेंट जो है सब्सक्राइब वाले बच्चे देखते हैं। तो कितना ज्यादा बच्चे हैं जो बिना सब्सक्राइब वाले देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बस चैनल को हेल्प करें, है ना, बस आपसे और कुछ नहीं चाहते, कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफी है हमारे लिए है। तो सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों का जवाब पढ़ेगा और आपका नॉलेज में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।